हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिना रावर। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। स्टूडेंट्स, एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या पीएचडी के बाद नेट जेआरएफ के बाद पीएचडी करना जरूरी है? कि क्या ये बहुत जरूरी है कि हम नेट का पेपर क्लियर करने के बाद पीएचडी करें? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, चॉइस आपका है, चॉइस आपका है। देखिए, अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं फिर तो आपके लिए ये कंपल्सरी है, 100% आपको पीएचडी करनी चाहिए, वरना इस जेआरएफ का कोई बेनिफिट नहीं है। आप फेलोशिप को अवेल ही तब कर सकते हैं जब आप पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम पीएचडी के लिए इनरोल करते हैं। अगर आपको जेआरएफ का फेलोशिप चाहिए तो आपको फुल टाइम पीएचडी में इनरोल होना पड़ेगा, वो भी 3 साल के अंतर्गत। लेकिन पार्ट टाइम में आपकी मर्जी है, आप कभी भी इनरोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी फेलोशिप नहीं दी जाती पार्ट टाइम के बोर्ड। लेकिन अब ये तो तब हुआ जब आपका जेआरएफ क्लियर होता है, तब आप फुल टाइम में एनरोल कर लीजिए। लेकिन अगर आपका सिर्फ नेट क्लियर होता है तो मैं कहूंगी कि जेआरएफ के लिए एक बार दोबारा री अटेम्प्ट कीजिए और जेआरएफ होने पर पीएचडी में अप्लाई कीजिए। लेकिन अब एक और क्वेश्चन आता है, अगर आपकी एज ही निकल चुकी है, यानी अब आप सिर्फ नेट ही दे सकते हो, जेआरएफ आपके लिए ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपकी एज अब 30 क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, या वीमेन के लिए 35 क्रॉस हो चुकी है, तो ऐसे में क्या नेट के बाद आपको पीएचडी करनी चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर अब आपने नई गाइडलाइंस देखी होगी तो नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आप पीएचडी में एडमिशन लीजिए। नेट के बाद भी आप एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं नेट के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यू आर टोटली एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ऐसा नहीं है कि आपको नेट के बाद पीएचडी करना जरूरी है। लेकिन आप भी समझदार हैं कि अगर एक बच्चे का नेट क्वालिफाइड है और एक बच्चे का नेट क्वालिफाइड के साथ साथ वो पीएचडी में इनरोल्ड है, तो इसको कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे, आपसे ज्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर खाली नेट है तो भी आपको एंट्रेंस टेस्ट तो देना ही, सीधा इंटरव्यू में जाना है पीएचडी के एडमिशन के लिए। और वैसे भी अब पीएचडी में 40% सीट्स जो है वो उन बच्चों के लिए जिनका नेट और जेआरएफ क्लियर नहीं है, 60% उनके लिए जिनका नेट या जेआरएफ क्लियर। यानी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि नेट क्लियर करने के बाद अगर पॉसिबल है तो आप पीएचडी कीजिए, अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना है। लेकिन अगर आप नेट क्लियर करने के बाद ऑनलाइन सेक्टर में आते हैं या ऑनलाइन एडुकेटर बनते हैं या फिर आप किसी बुक के ऑथर बनते हैं या अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलने की बात करते हैं या फिर आप कोई भी एडटेक इंडस्ट्री के अंदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या कंटेंट राइटर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे में आपके लिए पीएचडी करना इतना कंपलसरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस लाइन में आगे जाना चाहते हैं। तो अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में एडुकेटर बनने का है देन तो आपके लिए डेफिनेटली पीएचडी करना जरूरी है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन के अंदर जाना है। सो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर पीएचडी डिग्री वेदर यू आर नेट और वेदर यू आर जेआरएफ। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन सेक्टर की तरफ मूव करना है या फिर आप एमएनसीज की तरफ मूव करते हैं या फिर आप एडटेक की तरफ मूव करते हैं या हो सकता है आपको स्कूल टीचिंग में कहीं अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ऐसे केस में आपको पीएचडी करने की कोई नीड नहीं पड़ती है। तो अब ये फैसला आपका है कि आपने अपने आप को किस लाइन में लेके जाना है एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू डू पीएचडी और नॉट। बट अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको डेफिनेटली 100% पीएचडी करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, तभी फेलोशिप अवेल। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।